तो होली का नाम आते ही फाल्गुनी बयार में मस्ती से भरी रंग से लिप्त युवाओं की टोली का दृश्य बरबस ही आंखों के सामने दिखने लगता है। होली की मस्ती का आलम वैसे तो हर जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन बात करें बीकानेर की तो फाल्गुन महीने के लगते ही यहाँ होली की मस्ती में डूबे लोगों में एक अलग ही अलहड़ अंदाज देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे जैसे बोल होली के मौके पर सुनने को मिल जाते हैं। बड़े शहरों में कामकाज की भागदौड़ से तर बीकानेर में होली के मौके पर लोग कई दिन पहले से ही होली की मस्ती में डूब जाते हैं, और इसी मस्ती का एक बड़ा कारण है रंगमंच का आयोजन। छात्रों के द्वारा मंचित नाटक की तरह ठेठ देशी देशी भाषाओं में गीतों के बोल के साथ हर पात्र अपनी अपनी जिम्मेदारी को वास्तविक भंगिमाओं के साथ जब साकार करता है तो बीच में उठकर जाने को मन नहीं करता। वैसे तो बीकानेर शहर में तकरीबन एक दर्जन छोटी मोटी रम्मतों का आयोजन होता है। लेकिन बिस्सो के चौक में होने वाली शहजादी नौटंकी रम्मत कुछ अलग ही है। देवर शिकार खेलकर आता है, भाभी को कहता है गर्म पानी कर दो, खाना बना दो, पलंग बिछा दो। भाभी ताना मारती है कि मैं न तो आपकी तनख्वाह लेती हूँ, ना तुम कोई नौटंकी सहजादी ब्याह के लायो, सो मैं आपकी हाजिरी भरूं। देवर मन में ये पक्का इरादा दृष्टि करके मन में ठान लेता है कि मैं अब तेरे को जब ही मुंह दिखाऊंगा जब नौटंकी को ब्याह के लाऊंगा। वैसे तो बड़े मंच पर कलाकार अपनी ख्याति और जीविका उपार्जन के लिए नाटक मंचित करते हैं, लेकिन इस रम्मत का उद्देश्य अपनी परंपरा और लोक कलाओं को जिंदा रखते हुए अगली पीढ़ी को उसे रूबरू करवाना ही है। इन रम्मतों में पूरी तरीके से धार्मिक परंपरा का निर्वहन भी किया जाता है। देर रात 1 बजे तक आशापुर माता की सवारी के साथ शुरू होने वाली और करीब 10 से 12 घंटे तक चलने वाली रम्मत में कलाकार बिना रुके और थके अपना किरदार निभाते हैं। इन कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए पूरे शहर की भीड़ भी वहां जुटती है। रम्मत कलाकार कृष्ण कुमार बिस्सा कहते हैं कि हमारी कई पीढ़ियों से रम्मत का दौर चला आ रहा है और खुद मुझे 36 साल हो गए हैं। रम्मत से जुड़ाव रखने वाले जनार्दन कल्ला कहते हैं कि रम्मत धार्मिक परंपरा का निर्वहन करना भी सिखाती है। वैसे तो ये रम्मत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ गई है, बाकी इस रम्मत का उद्देश्य ये है दूर दृष्टि, पक्का इरादा और कौमी एकता, तीन इसमें मिले हुए हैं। इस कारण से आदमी अगर से मजबूत इरादा पक्का इरादा कर लेता है तो वो सफल होता है। मेरे परिवार की ये 5वीं पीढ़ी का मैं आदमी हूँ और मेरे को खुद को करते हुए ये 36वां साल है। ऐसा है जितनी भी रम्मतें होती थी उसमें धार्मिक भावना और श्रृंगार रस दोनों जुड़े होते थे, इससे लोग जो समझते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। तो निश्चित रूप से इससे लोगों का मनोरंजन भी होता है और धार्मिक भावना भी। छोटी काशी के नाम से ख्यात बीकानेर में लोगों के आपसी प्रेम को कायम रखने में ये मौलिक परंपरा अपनी अलग भूमिका अदा करती है और त्योहार के मजे को कई गुना बढ़ा देती है। इसका एक प्रमाण यहाँ पर जुटती लोगों की संख्या से लगाया जा सकता है। संचार क्रांति के इस युग में
भले ही व्हाट्सएप और फेसबुक के चलते युवा हाईटेक होने की बात कह रहा हो, लेकिन बीकानेर में होली के मौके पर जिस तरह से पारंपरिक लोक परंपरा को बढ़ावा देने का काम बीकानेर के लोग कर रहे हैं वो निस्संदेह काबिले तारीफ है। आगे आने वाले सालों में भी यही लोक परंपरा बीकानेर की संस्कृति को जिंदा रखेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बीकानेर से कैमरा पर्सन विक्रम जागरवाल के साथ अरविंद व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज।